नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र से, जहां वन स्टॉप सेंटर में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी सिंगरौली जिले की रहने वाली है, जिसके साथ सुलभ कॉम्प्लेक्स के कर्मचारी ने सुलभ कॉम्प्लेक्स में जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने घटना की जानकारी वन स्टॉप सेंटर के महिला कर्मचारियों को दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर ली है, जिससे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पीड़ितों को संरक्षण दिया जाता है, वहीं अगर हैवानियत होने लगे तो फिर किस पर भरोसा किया जाए। हालांकि पुलिस को बताया जाता है कि घटना वन स्टॉप सेंटर पहुंचने से पहले हो चुकी है। पीड़ित बदहाल घूम रही थी, जिसे वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया गया तब जानकारी हुई है, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच का विषय है, और मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किशोरी वन स्टॉप सेंटर में नहीं रह रही थी तो सिंगरौली जिले से रीवा में क्या कर रही थी, और वह सुलभ कॉम्प्लेक्स कैसे पहुंची थी। कुछ भी हो, वन स्टॉप सेंटर में रह रही किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण की पोल खोल दी है। मामला आया है वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से, तो क्या घटना है सर, अभी क्या कार्रवाई हुई इसमें? जी हाँ, एक मामला आया है कि एक कोई नाबालिग लड़की है, और अपने जो है शौचालय गई हुई थी, उस दौरान किसी एक जो है उसका नाम नहीं आती लड़की व्यक्ति के द्वारा जो है दुष्कर्म किया गया है ऐसा बताती, जिसकी सूचना जो है वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हमारे पास आई है, और उसी के आधार पर हम लोगों ने संदेही की पकड़धर स्टार्ट की है, तो दौरान पकड़ में मिला है बंदा, जिससे पूछताछ की जा रही है। ये जो घटना स्थल है, तो वो क्या वन स्टॉप का घटना स्थल है या कोई बाहर का? घटना स्थल बाहर का है, वहाँ के माध्यम से लड़की चूंकि बाहर से आई थी, तो वहाँ के मंदिर के लोगों ने जो है उसको वन स्टॉप सेंटर भेजा था, और वहाँ से ही लड़की ने जानकारी वन स्टॉप सेंटर को दी है। वन स्टॉप सेंटर के थ्रू जो है थाना विषय को प्रोवाइड कराने पर आरोपी के विरुद्ध कायम की गई। लड़की किस जिले की है, कुछ उसके परिजनों से और किसी संपर्क हो पाया क्या? जी, लड़की के द्वारा बताया गया है कि मैं जिला सिंगरौली की रहने वाली हूँ, किंतु अभी उसकी तस्दीक की जा रही है क्या सही है, जांच में जो भी आएगा वो क्लियर किया है। वन स्टॉप सेंटर वालों ने पत्र दिया है, उनसे भी कुछ जानकारी आई कि घटना पहले की है, उनके यहाँ पहुँची कैसे? जी हाँ, वन स्टॉप सेंटर जानकारी यही है कि हमारे यहाँ पहुँचने से पहले जो है उसके साथ घटना हो चुकी थी, जो उसने जानकारी में बताया, बयानों में बताया है। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।